नॉलेज एज ए हंटर्स। तो जैसा कि हम क्लास टेंथ का अपना सेकेंड चैप्टर बाल गोविंद भगत को डिस्कस कर रहे थे, तो जिसमें कि गाइस हमारा जो रीडिंग पोर्शन है वो तो हमने पहले ही फिनिश कर लिया है, तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ जो बाल गोविंद भगत थे वो उनके किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण वो साधु कहलाते थे, हमें यह बताना है कि वो किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो इसका आंसर में हम क्या लिख देंगे, बाल गोविंद भगत निम्नलिखित विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो पहले तो हमारे क्या है, हेडिंग डाल देंगे हम इसके, फिर हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे गाइस, तो क्या है, वह दोनों समय गीत गाते, वो तो जैसा कि हमें पता ही है कि वो दोनों समय गीत गाते थे और स्नान ध्यान करते और ईश्वर की उपासना में स्वयं को लगाए रखते थे। तो इसमें उनको बता देते हैं, उनको बताया कि वो क्या करते थे, गीत गाते थे, स्नान ध्यान करते थे, ईश्वर की उपासना में स्वयं को लगाए रखते थे। हम फर्स्ट पॉइंट में इसको डिस्कस कर देंगे। सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे गाइस, तो सेकंड पॉइंट में क्या है, वह सत्य का पालन करते थे, वो क्या थे, सत्य का पालन करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, क्या है, कभी तथा कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो फिर क्या है कि वो सत्य का पालन करते थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे, वह सबसे खरा व्यवहार रखते थे, वो क्या थे, सबसे खरा व्यवहार रखते थे। सेकंड पॉइंट में हम इतने लगते हैं गाइस। फिर थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, वह किसी की चीज़ को छूते नहीं थे, वो क्या करते थे, वो किसी की चीज़ को छूते नहीं थे और बिना पूछे व्यवहार में भी नहीं लाते थे। तो वो किसी की चीज़ को छूते तो नहीं थे और उसका यूज़ भी नहीं करते थे किसी से बिना पूछे। फिर फोर्थ पॉइंट, उनका सब कुछ साहब का था, जो उनका सब जितनी भी चीज़ें थी वो किसकी थी, साहब की थी। वह अपने खेत में जो कुछ भी पैदा करते उससे लेकर घर से चार कोस दूर कबीरपंथी मठ पर जाकर दे देते तथा जो कुछ मिलता उसे प्रसाद स्वरूप घर में लाते और फिर उसी से गुजर करते थे। तो क्या है, उनका सब कुछ किसका था, उनके साहब का था। वह अपने खेत में जो भी प्रोड्यूस करते तो फिर उसको लेकर क्या चलते, घर से चार कोस दूर कबीरपंथी मठ पर जाकर दे देते। जो भी उनका होता था प्रोड्यूस, जो भी अपने खेत में करते थे वो अपने घर से चार कोस जाके कबीरपंथ मठ पर जाकर दे देते थे और जो कुछ मिलता और वहाँ से जो कुछ भी मिलता वो उसे प्रसाद स्वरूप घर में ले आते और उसी से अपने क्या करते, गुजर बसर करते थे। फिफ्थ पॉइंट क्या है गाइस, उन्हें सांसारिक चीज़ों का मोह नहीं था, लालच नहीं था लो। तो इसीलिए इकलौते पुत्र के देहांत पर, इसीलिए क्या करा, उनका जो इकलौता पुत्र था उसके देहांत पर उसे चटाई पर लिटाकर उसके सिरहाने चिराग जलाकर गाए जा रहे थे। तो उस जब उसकी डेथ हो गई थी तो उसको चटाई पर लिटाकर उसके सिरहाने चिराग जलाकर गाए जा रहे थे, साथ ही पथु उसे रोना बंद कर उसका मनाने को गा रहे थे, मतलब उसकी जो वाइफ थी उससे भी रोना बंद कर उत्सव मनाने को कह रहे थे। मीन्स उससे क्या कहते हैं, उत्सव मनाओ, रो नहीं। तो क्या है नेक्स्ट में क्या लिख दें, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। तो क्या है, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया इसीलिए वो उनसे क्या कह रहे हैं कि रो मत और उत्सव मनाओ। तो गाइस इसमें फोर पॉइंट्स का भी लिख सकते हैं गाइस, अगर आपको जो आंसर है वो शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन में आया तो आप उसमें ओनली फोर पॉइंट्स भी लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे, आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। तो आप फोर पॉइंट्स भी लिख सकते हैं अगर आपको शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन में आया, तो थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आया तो आपको फाइव पॉइंट्स भी लिखने होंगे। क्वेश्चन सेकंड, भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? जो क्वेश्चन सेकंड है वो क्या कह रहा है कि जो भगत की जो पुत्रवधु थी तो फिर वो उसको अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो अब उसके हम इसको डिस्कस करेंगे कि वो क्यों नहीं अकेले छोड़ना चाहती थी भगत को। तो आंसर में क्या लिख देंगे गाइस, भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि, तो भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना, इसलिए नहीं छोड़ना चाहती, यहाँ पे हम क्योंकि जगह हम इसलिए लिख कर देंगे गाइस, इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत की उम्र अधिक हो गई थी। क्या हो गई थी, भगत की जो उम्र एज थी वो ज़्यादा हो गई थी, इस आयु में वह किसी के सहारे के बिना नहीं रह सकते। तो अब उनकी जो एज थी वो बढ़ गई थी तो फिर वो किसी के सहारे के बिना उस एज में नहीं रह सकते थे, उन्हें किसी की ज़रूरत थी, उन किसी की हेल्प की ज़रूरत थी उन्हें,
तो क्या है, यदि वह बाल गोविंद भगत की बात मानकर अपने भाई के साथ चली गई तो उनकी देखभाल करने वाला, उनके खाने पीने का ध्यान रखने वाला कोई नहीं हो रहेगा। तो फिर वो क्या कह, क्या इसमें क्या क्या कहा गया है कि यदि वह बाल गोविंद भगत की बात मान ली, अगर उसने क्या करा, बाल गोविंद भगत की बात मान ली और वो अपने भाई के साथ चली गई, तो उनकी जो भगत किया है, उनकी मीन्स किसका है, भगत के लिए प्रयोग किया गया, इसका यूज़ किया गया। तो फिर क्या है, तो उनकी देखभाल करने वाला, उनके खाने पीने का मतलब उनकी देखभाल करने वाला या फिर खाने पीने का ध्यान रखने वाला, तो फिर वहाँ पर कोई नहीं रहेगा। यदि वह बीमार पड़ गए, मतलब यदि उन बीमार हो गए, तो फिर तो उन्हें एक चुल्लू पानी देने वाला भी कोई नहीं रहेगा होगा। तो फिर अगर वो बीमार होगा तो उन्हें एक चुल्लू पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा। इसीलिए वो क्या था, इसीलिए वो उन्हें अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। क्वेश्चन थर्ड, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। अब क्या है, क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, जो भगत थे उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह से, उनकी जो भावनाएं थी उन्होंने वो किस तरह से व्यक्त की। तो आंसर में क्या लिख देंगे गाइस, आंसर, फिर भगत का विश्वास था कि उनके बेटे के लिए आत्मा, उनकी बेटी की आत्मा परमात्मा से मिल गई। जो भगत थे उनका क्या विश्वास था कि जो उनके बेटे की जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई है, इसीलिए दुख नहीं करना चाहिए, इसीलिए क्या दुख नहीं करना चाहिए बल्कि उत्सव मनाना चाहिए। उन्होंने क्या किया, इसलिए जब उसकी डेथ हुई थी उन्होंने उत्सव मनाना चालू किया। मीन्स जब उन्होंने, उनको ऐसा लगा कि जो उनके बेटे, उसके बेटे की जो वो है आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई है, इसीलिए उन्होंने उत्सव मनाना, उनको ऐसा लग रहा था कि उत्सव मनाना चाहिए। फिर क्या है, इसलिए उन्होंने बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटा कर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। फिर क्या है, इसीलिए उन्होंने बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटा कर उसको सफ़ेद कपड़े से ढक दिया और कुछ फूल उस पर बिखेर दिए, और कुछ फूल थे वो उस पर बिखेर दिए। सिरहाने पर एक चिराग जला दिया, एक सिरहाने पर क्या जला दिया, एक चिराग जला दिया और उसके सामने ही एक आसन पर बैठ कर गीत गाने लगे, और उसके सामने एक आसन पर बैठ कर गीत गाने लगे। यही नहीं, रोती हुई अपनी पतों से भी उत्सव मनाने को कहने लगे। क्या है कि यही नहीं, क्या है कि जो उनकी जो उसकी जो पत्नी थी उस वही है कि वो उससे भी वही कहने लगे कि तुम भी उत्सव मनाओ। उसको क्या कहा, रोती हुई मतलब रोना, उसको क्या कहा कि रो मत, उत्सव मनाओ। तो उन्होंने रोने को मना कर उससे उत्सव मनाने को कहा। तो गाइस ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, मनाने को कहने लगे। तो ये हमारा जो आंसर थर्ड है उसका ये लास्ट पार्ट है, मतलब लास्ट में जो है देखना वही है यहाँ पर। तो फिर अब हम क्वेश्चन फोर्थ पर आते हैं, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें। तो क्या है, इसमें क्या करना है, भगत के व्यक्तित्व, भगत का व्यक्तित्व के ऊपर और उनकी वेशभूषा, तो उसकी जो वेशभूषा थी उसके, उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें, मतलब अपने शब्दों में यहाँ पे लिखना है कि उनकी जो व्यक्तित्व और वेशभूषा कैसा था। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे गाइस, फर्स्ट तो यहाँ पे व्यक्तित्व पूछा तो हम यहाँ पे व्यक्तित्व हेडिंग डालकर लिख देंगे, भगत मझाली कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। तो क्या है, व्यक्तित्व में उनका क्या लिख देंगे कि भगत जो थे वो मोझाले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। उनकी उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक थी, जो उनकी एज थी वो 60 वर्ष से ऊपर की थी, ज्यादा थे मतलब। उनके बाल पके हुए थे, मतलब जो उनके बाल थे वो वाइट वाइट हो गए थे। तो एक तो उनकी जो एज थी वो भी ऊपर की हो गई थी, 60 साल से ऊपर से, और उनके बाल पके हुए थे। चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग रहता था, मीन्स जो उनके जो वो चेहरा था वो सफ़ेद बालों से जगमग, मीन्स उनके जो बाल थे वो वाइट वाइट रहते थे मीन्स उनके फेस पर। फिर क्या है, वह सदा सत्य बोलते थे और किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। वो क्या सदैव क्या करते थे, वो सदा सत्य मीन्स सच बोलते थे और किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, मतलब किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। किसी की चीज़ छूते नहीं थे, वो तो हमें पता ही चल गया इतनी बार हमने इसको पढ़ लिया। तो क्या है, किसी की चीज़ छूते नहीं थे और बिना पूछे किसी की चीज़ को व्यवहार में नहीं लाते थे। तो ये क्या है, उनकी व्यक्तित्व के बारे में बता दिया। और नेक्स्ट हम क्या बताएंगे, इसमें क्वेश्चन में वेशभूषा भी पूछे तो हम क्या बताएं, वेशभूषा नेक्स्ट में बताएंगे। तो वेशभूषा की सबसे पहले हमें इसकी हेडिंग डाल दी है। फिर क्या है गाइस, इसको डिफाइन करेंगे, उनकी जो वेशभूषा थी वो कैसी थी, लिख देंगे भगत बहुत कम कपड़े पहनते, मतलब जो भगत थे वो बहुत कम कपड़े पहनते थे क्योंकि वो थे मतलब। तो फिर क्या है, कमर में एक लंगोटे और सिर में कबीर पंथी की सी टोपी, मतलब वो बहुत कम कपड़े पहनते थे और कमर में एक लंगोटी और सिर में कबीर पंथियों की सी टोपी पहनते थे। जाड़ों में वह एक काली कमली ओढ़े रहते, मतलब जाड़ों में ठंड में सर्दियों में वो क्या करते थे, एक काली कमली ओढ़े रहते थे। उनके मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन लगा रहता था। अब जो उनका माथा होता है गाइस, जो उस पर क्या रहता था, हमेशा
चमकता हुआ रामानंदी चंदन लगा रहता और गले में तुलसी की जड़ों एक बैडोल माला बंधी रहती थी। जो गला होता है उसमें तुलसी की जड़ों की बनी एक बैडोल माला बंधी रहती थी। सो गाइस, यहीं पे हमने अपना जो चैप्टर सेकंड है उसके क्वेश्चन 4 तक हमने अपना फिनिश कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं वो उसको हम कंप्लीट करेंगे। सो गाइस,